7 सितंबर को शाम में हमारे गांव में आगजनी शुरू हो गई थी और बड़ी तादाद पे, तो 8 सितंबर में हुआ था। 8 सितंबर में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, मेरी मम्मी को बहुत चोट आई थी और मेरे घर को जला दिया गया था। फिर हम अपने गांव को छोड़ के हम तो पहले ही आ चुके थे, क्योंकि गांव में तो मेरी मम्मी पापा दादा दादी चाचा ये सब थे, लेकिन हम गांव सॉरी कस्बा कैराना में आ गए थे। वहाँ पे हम लगभग चार महीने रहे। हमने मुआवजे की बहुत कोशिश की, ना ही हमें मुआवजा मिल पाया, ना ही हमें कुछ लाभ सरकार से कुछ उम्मीद, मतलब हमने बहुत रखी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो हमने अपने गांव में लौटने का फैसला किया। 5 साल के लिए हमें मकान दे रखे। 5 साल में जो कैरियर देखेंगे, जिस आदमी का भी जिसे भी अच्छा लगा, मान लिया कैरियर सही रहा तो उसे हमें मकान दे देंगे, नहीं मना कर देंगे, जाओ भाई तुम अपना कहीं और खाओ कमाओ। अच्छा फिलहाल की स्थिति हमारी है कि उधर तो हम बीमार चल रहे हैं, और फिर दूसरे नंबर पर रोज़गार हमारा नहीं है कुछ भी। जो हमारे रोज़गार थे वहाँ गाँव में जो थे, हमारी मशीन थी और जी टंकी कंप्रेसर और टायर पंचरों की दुकान थी, सब लूट फीट गया वहाँ, सब लोगों ने हटा दिया। बल्कि यहाँ तक के दीवार भी नहीं छोड़ दी, ज़मीन खाली पड़ी बस नहीं करनी, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं है, वो भी सब लूट गया। अब हम रोज़गार से बेरोज़गार हैं वहाँ से, अपना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजर रहे हैं अभी इस टाइम, क्योंकि हमारे घर में एक टाइम खाना बना है, एक टाइम नहीं बनता, मुख्य काम चल रहा, क्यों ना कोई रोजगार है। टुडे वी मार्क द 4th एनिवर्सरी ऑफ द राइट्स दैट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर। द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट इज टू ड्रॉ अटेंशन टू द कंटिन्यूइंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दैट आर हैपनिंग, बिकॉज ऑल द पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड एट दैट टाइम, नियरली 50,000 ऑफ देम, ऑल्दो देयर वर कॉम्पनसेशन स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, अ लॉट ऑफ देम हैवंट रिसीव्ड इट। And in any case, we went and we met about 200 families to see what their situation was. And what we found is that they're staying in rehabilitation sites without basic amenities. So this occasion is to, one, mark the anniversary of the Muzaffarnagar riots, and the second is to, again, request the government to give these people their human rights and recognize it. Doesn't look at the various aspects that Muzaffarnagar Bakhia looks at, but it's essentially looking at the lives of the survivors of the 2013 massacre in Shamli and Muzaffarnagar, and how people have led their lives subsequently and after the massacre. 4 years, three and a half, we shot it roughly 3.5 years after the massacre, and how they've been able to get on with their lives, the difficulties they've faced, and how a lot of it has actually been further compounded for the people in the film. A lot of it has been compounded because they still haven't received the compensation that they were promised by the state government. And what has then happened in the process is that, so basically Muawza, the film looks at three such people who had shot extensively even in 2013 and 14 to see how they got on with their lives, and the fact that they still haven't received compensation, and how that's also further accentuated their problems.